स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबर्ट के दोस्तों क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास टेंथ का इंग्लिश का दोस्तों हम लोग जो है वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास टेंथ इंग्लिश का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका दोस्तों 10 MCQ प्रश्न है और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। यानी कि 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव, टोटल 16 क्वेश्चन है। तो चलिए सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास टेंथ इंग्लिश वीकली टेस्ट पहला प्रश्न क्या रहने वाला, तो पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, तो ये जो आपका सेक्शन ए का प्रश्न है जिसमें सारा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सेक्शन आपका टोटल 20 नंबर का है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन पर दो नंबर मिलेगा, तो इस तरह से 20 नंबर, ठीक है। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, व्हाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट, यानी कि बुजुर्ग अपने अतीत के बारे में क्या सोचते थे। एल्डर जो एल्डर होते थे, ठीक है, बुजुर्ग लोग वो अपने पास्ट के बारे में, ठीक है, अतीत के बारे में क्या सोचते थे, तो वो जो सोचते थे क्या सोचते थे कि दे मिस द गुड ओल्ड डेज, कहने का मतलब है कि उन्हें अपने जो है पुराने अच्छे दिन याद आते थे, ठीक है, उन्हें पुराने अच्छे दिन याद आते थे, मिस करते थे, कौन से दिन को, गुड ओल्ड डेज को। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दो नंबर पूछा है आप सभी से, हाउ इज द फैमिली पोजिशन स्टिल कैरियर, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, पोजिशन है, हाउ इज द फैमिली प्रोफेशन स्टिल, ठीक है, कैरिड, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है उन्हें जो यहाँ पर पारिवारिक पेशा अभी भी किस प्रकार चलाया जाता है, तो प्रोफेशन कैसे चलाया जाता है पारिवारिक पेशा अभी भी, तो बाय देयर सन, यानी कि अपने पुत्रों के द्वारा, ठीक है, उनके पुत्रों के द्वारा पारिवारिक पेशा चलाया जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 2 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 3 नंबर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, ठीक है, कौन सा जो टास्क है, टास्क आपका ये आपका बेकर के द्वारा जो है चलाया जाता था, बेकर के द्वारा डन किया जाता था, फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेक द लॉफ्स, कहने का मतलब है रोटियां सेकना जो है बेकर के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, बेक ऑफ, बेक द लॉफ्स इसका हिंदी होता है रोटियां सेकना। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज ए पीस ऑफ ए इवेंट, कहने का मतलब क्या बोलता है कि स्वर्ग का टुकड़ा, ठीक है, आपका जो स्वर्ग का टुकड़ा, इवन पीस ऑफ ए इवेंट, स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा जाता है, हु इज द रेफर्ड, किसे कहा जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, तो कॉर्ग को, ठीक है, कुर्ग को दोस्तों स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर बोला है कि वेयर इज ए कॉर्ग सिचुएटेड, कहने का मतलब है कि कॉर्ग कहाँ स्थित है, तो कॉर्ग जो है बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ है मैंगलोर, मतलब कि मैसूर और तटीय शहर जो आपका मैंगलोर है इसके क्या है, बिटवीन यानी कि बीच में, मैसूर और मैंगलोरू के बीच में स्थित है कौन, तो कॉर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉर्ग आपका कहाँ स्थित है, तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में। चलिए 5 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर बोला है, व्हाट कवर्स 30% एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए कोडागु, मतलब कि कोडागु जिले का, कोडागु डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, 30% जो क्षेत्र है किसके अंदर आता है, किसके अंदर कवर होता है 30% एरिया क्षेत्र, तो ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, कहने का मतलब है कि जो आपका सदाबहार वन, ठीक है, जो एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर आपसे पूछा है, विच प्लांटेशन इज ए पॉपुलर देयर,
कौन सा प्लांटेंस प्लांट जो आपका है ये पॉपुलर है, ठीक है। ऑप्शन है टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, व्हीट प्लांटेशन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉफी प्लांटेशन है, कहने का मतलब है कि कॉफी का बगान बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 का B हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर कहता है, क्या कहता है 8 नंबर कहता है, व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय प्रांजल, प्रांजल के द्वारा क्या ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रांजल के द्वारा जो ऑर्डर किया गया था 2 कप ऑफ टी, प्रांजल के द्वारा 2 कप चाय ऑर्डर किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का A हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर कहता है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर क्यों एक्साइट हुआ, यानी कि उत्साह क्यों हुआ। तो राजवीर इसलिए एक्साइटेड हुआ था क्योंकि बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो जो राजवीर था ये आपका एक्साइटेड इसलिए हुआ था क्योंकि वह जो है आपका उसने चाय के बगान को देखा था, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, वो चाय को बगान को देखा था इसलिए राजीव एक्साइटेड था, उत्साह था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, इसलिए जो चैनल को पहली बार आया सब्सक्राइब जैसे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है, व्हाट हैव द टी प्लांटेशन हैज बीन, ठीक है, प्लांटेशन बीन कंपेयर्ड टू, मतलब कि जो टी जो प्लांट है, चाय का जो बगान है, ये किससे तुलना किया गया, चाय का जो बगान है, बगान का तुलना किससे किया गया है, तो किससे कंपेयर किया गया है। तो ये आपका जो है एसी ऑफ टी बुशेस, कहने का मतलब है कि चाय की झाड़ियों का समुद्र से तुलना किया गया है, सी से तुलना किया गया है। इस प्रकार से 10 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर दोस्तों। तो सेक्शन सी में सेक्शन बी, ठीक है, तो सेक्शन बी से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 11 और 12 यानी कि 11 और 12 नंबर 2 प्रश्न है जो कि सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या आता है, सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों दो दो नंबर का है तो ये इक्वल टू मिला के 4 नंबर होगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 11 नंबर यानी कि 11 नंबर का प्रश्न कहता है, व्हाट इज बेकर कॉल्ड, बेकर क्या होता है दोस्तों, बेकर किसे कहा जाता है, तो बेकर को क्या कहा जाता है, तब द बेकर आर नॉन हैज पेडर, पेडर को ही बेकर कहा जाता है, पेडर को ही बेकर कहा जाता है, यानी कि पेडर को बेकर नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना आप लिख सकते। चलिए 12 नंबर कहता है, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी कि बेकर के मासिक खाता जो कहाँ दर्ज हुआ था, कहाँ दर्ज हुआ था, ठीक है। तो रिकॉर्डेड कहाँ रिकॉर्ड करता था, कौन, मंथली अकाउंट्स जो बेकर है कहाँ रिकॉर्ड करता था, आंसर में लिखिएगा द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन अ स्मॉल वन इन पेंसिल, जो मंथली का जो अकाउंट आपका जो मंथली यानी कि मासिक उसका जो था मासिक खाता वो जो है कहाँ रिकॉर्ड करता था, तो ये दीवार पे रिकॉर्ड करता था पेंसिल के साथ, ऐसा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 12 का आंसर देखें। नेक्स्ट सेक्शन सी जो कि आपका 13 और 14 2 प्रश्न रहेगा, 3-3 नंबर तो 6 नंबर रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 13 नंबर कहता है, वेयर इज ए कुर्ग, ठीक है, कुर्ग, तो कुर्ग कहाँ है, तो कुर्ग कहाँ है दोस्तों, तो कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए कर्नाटक, तो कर्नाटक का छोटा सा जिला है कुर्ग जो कि लोकेटेड करता है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोरू, यानी कि जो आपका मैसूर और मैंगलोरू के बीच में है, कौन, आपका कुर्ग, ठीक है, जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर दोस्तों कहता है, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, मतलब कि कटहल जैसा, ठीक है, जैक फ्रूट किसको कहते हैं, कटहल को, तो कटहल जैसा लाइक यानी कि जैसा जो है दिखने का क्या मतलब है, अपीयरेंस मीन्स उसका मतलब क्या होता है, तो ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए प्लम्प फिजिक्स क्यू, कहने का मतलब है कटहल जैसा दिखने का मतलब है मोटे प्रकार, ठीक है, सच है जब फिजिक्स वाज लिंक्ड टू द बेकर
जो कि जो एक किससे लिंक होता है, बेकर से, बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड। वहाँ के लोग क्या होते, भूखे नहीं होते। बेकिंग वाज ए बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल पोजिशन, ठीक है, प्रोफेशन। द बेकर इज अ फैमिली एंड इज द सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड एंड हैप्पी प्रोपोजर एंड हेड ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। इसलिए जो जे कटहल को जो इस प्रकार से दिखाने का मतलब है, मोटे जैसा, क्योंकि वहाँ के लोग भूखे नहीं है, इस प्रकार से कुछ इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, सेक्शन डी जो कि वीडियो का लास्ट सेक्शन है, और अभी तक दोस्तों जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से कीजिएगा, वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर से कीजिए, ठीक है। और कितना मजा आ रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो सेक्शन डी में दोनों आपका जो 15-16 दो प्रश्न रहेगा, 5-5 नंबर का, 10 नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर कहता है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर है ये आपका प्रतिदिन आता था, ठीक है। नाना भाई प्रतिदिन कब आएगा, मतलब कि कब आएगा। और वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, मतलब कि नाना भाई प्रतिदिन कब आएगा, बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़े चले आते हैं, क्यों रन करते हैं जबकि बेकर आता है तब, ठीक है। तो बेकर कम ट्विस एवरी डे, मतलब बेकर दिन में दो बार आता था, ठीक है। वंस व्हेन ही सेट आउट इज द मॉर्निंग, सबसे पहले मॉर्निंग में, ऑन इज ए सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन द रिटर्न आफ्टर इम्पिटिंग इज ए हग बास्केट, द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम नॉट बिकॉज ऑफ द देयर लव्स ऑफ द लव्स बिकॉज वाज अबाउट बाय द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस दे एक्चुअली लॉन्गेट्स ऑफ द ब्रेड्स बैंगल्स विच दे चूज केयरफुली समटाइम्स इट वॉज ए ट्विस्ट स्वीट ब्रेड्स ऑफ द स्पेशल मैक। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशल रोटी बनाने के लिए, और जो सर्वेंट्स आप जानते हैं मेड सर्वेंट था जो कि एक खरीद लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से जो बेकर को देखने के लिए बच्चे दौड़े चले आते थे, इस प्रकार से नान भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16 नंबर जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए गोवन लाइफ, ठीक है। यानी कि गोवा का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है रोटी क्यों है, हाउ डू यू नॉन दिस, आप कैसे जानेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए गोवन लाइफ, यानी कि गोवा का इम्पोर्टेंट पार्ट से है कौन, रोटी। तो यहाँ पर लिखना मेरिट्स गिफ्ट आर मैग्निसलेस, ठीक है, मीनिंग लैक्स विदाउट द स्वीट ब्रेड्स नॉन हैज द बॉल, ठीक है। जो मेरिट्स गिफ्ट है ये आपका अधूरा है, ठीक है, आपका किस में, तो आपका अधूरा मीनिंग है जिसमें आपका स्वीट ब्रेड है कहा जाता है। फॉर अ पार्टी ब्रेड्स इज अ मोस्ट वील वाइल्स ऑफ द क्रिसमस केक एंड द वॉलनेस, ठीक है, वॉलनेस आर द मस्ट, सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडीज ऑफ द हाउस ऑन द डॉटर्स एंगेजमेंट। द ऑथर से दैट एवरी डे लव द फ्रेंड्स ऑफ ए लवर्स, कहने का मतलब दोस्तों देखिए गोवा में आपका ब्रेड यानी कि रोटी इसलिए प्रसिद्ध था क्यों, आप रोटी ही रोटी चलता था, ठीक है। जहाँ भी फंक्शन है शादी ब्याह सब में रोटी, रोटी के बिना गोवा अधूरा, ठीक है, ब्रेड के बिना। तो द एल्डर वेयर गिवेंस लोअप्स, द चिल्ड्रन वेयर गिव्स ब्रेड्स बैंगल्स विच द लॉन्गर्स ऑफ द लॉन्गर्स वर आल्सो द फैक्ट डेट बेकरी, ठीक है, बेकरी इज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है, सो दैट द लव्स फॉर ब्रेड इज ए इनोरम्स इज गोवा। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश का वीकली टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए, हिंदी को भी सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हिंदी वाला का दोस्तों हम लोग जो है कमेंट आपको जो है करना है कि हिंदी वाला देखें कि नहीं देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।